अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर है समीर और रमजान एक कैमरे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो एज रिलेशन के हवाले से बात करेंगे कि एसएससी एसएससी और जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी एज लिमिट कौन सी है और कितनी रिलैक्सेशन है इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं। तो जो लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो को लाजमी जो है वो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो देखें, अभी ये जो भी सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वजह से जो भी जॉब्स आती हैं, तो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि 15 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। वैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि एज लिमिट 21 से लेकर 30 है, लेकिन फिर रिलैक्सेशन के हवाले से लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर सिंध गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि जो रिलैक्सेशन है वो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत दी जाएगी। तो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन होती है। तो इसका मकसद ये हुआ, मतलब ये हुआ कि अभी 21 से लेकर जो 30 तक एज लिमिट है, तो 30 के बाद आप उसमें प्लस करेंगे 15 ईयर्स रिलैक्सेशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि 45 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 45 तक है। अच्छा, 45 तक जब जबकि एडवर्टाइजमेंट हो, ठीक है, यानी कि 45 डेट जो है वो कब काउंट होती है, जब एडवर्टाइजमेंट डेट जो है वो जब अनाउंस हुई हो तो तब तक आपकी जो एज है वो 45 होनी चाहिए, फिर आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज एक छोटी सी वीडियो थी जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग जो है वो कन्फ्यूज़ थे, परेशान थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के और लोगों को क्लियर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे इस हवाले से। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद इस वीडियो की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।